आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि कल ईद है, ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं। क्यों आखिरकार ये बकरा ईद मनाई जाती है, इसकी क्या महत्वता है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं मौलवी आमिर जी। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर जी, क्या कहना चाहोगे, कल ईद का पावन दिन है, इसको लेकर तैयारियां जो है जोरों शोरों से हो रही है और काफ़ी दिन पहले इसकी तैयारियां जो है कुर्बानी के लिए जो बकरा लिया जाता है उसकी तैयारियां होती है। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आखिरकार जितनी भी ईद मनाई जाती है हर एक की अपनी अपनी महत्वता होती है। बकरा ईद की बात की जाए, जैसे हम कुर्बानी ईद भी कहते हैं, इसकी क्या महत्वता है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहिमी का जद्द अमजद माना जाता है उनको। उन्हें जब भगवान का हुक्म आया कि बेटे की कुर्बानी करनी है, उन्होंने बेटे से भी पूछा तो बेटे ने कहा कि सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, कि ये मेरे प्यारे अब्बा जान, अगर ये भगवान का हुक्म है, ये मालिक का हुक्म है, तो इस मालिक के हुक्म के सामने अगर मैं ना भी कहूँ तो आप पीछे मत हटिएगा, आप वो कर गुजरिए जो आपको दिखाया गया है। देखिए, वहाँ बेटा भी तैयार था और बाप भी तैयार था। हम उन्हीं की याद में मनाते हैं कि उन्होंने तो अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए वो पीछे नहीं हटे, लेकिन उनकी याद में अल्लाह ताला ने आगे के लिए कयामत के लिए एक सिलसिला जारी रखा कि तुमने जानवर ज़बह करना है, बेटा ज़बह नहीं करना। हाँ, अब ये है कि इस कुर्बानी में जानवर वही ज़बह कर सकता है जो इतना एफर्ट कर सकता हो, जिसके पास इतना खर्चा हो, जो इतना खर्चा उठा सके। जी, इसके अलावा अदरवाइज़ हम हर किसी इंसान पे नहीं ठोंस सकते कि जो ना भी करे वो भी कुर्बानी करे, जो करे वो भी करे। नहीं, इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो इस तरीके का खर्चा उठा सकते हैं। फिर कितने किस्म के जानवर आते हैं, कितनी कीमत के जानवर आते हैं, बहरहाल ये उनकी याद में मनाया जाता है। और इसके अलावा प्रेजेंट अगर हम देखें तो इससे एक पैगाम भी मिलता है, मोहब्बत का पैगाम, रवादारी का पैगाम, आपसी फितनो फसाद से बचने का पैगाम, है ना, एक दूसरे से मिलने जुलने का पैगाम, खुशियों का त्यौहार। इस्लाम के अंदर खुशियों के दो त्यौहार हैं, एक ईद उल फितर मनाई जाती है जो आपको पता है रमज़ान के बाद मनाई जाती है, और एक ईद उल अज़हा जो रमज़ान की ईद के रमज़ान के बाद, छोटी ईद के बाद लमसम कोई दो ढाई महीने के बाद मनाई जाती है, ये उन्हीं की याद में होती है। जी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस वजह से जो है कुर्बानी मांगी थी अल्लाह ताला ने। उन्हें ये ख्वाब में दिखाया गया था जी। असल में भगवान जब किसी से ज़्यादा प्यार करता है मालिक, तो उसे कई सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और उसे भगवान आजमाता है। असल में भगवान ये नहीं चाहता था कि ये बेटे को ज़िबह करे, बल्कि ये एक इम्तिहान था, एक एग्ज़ाम था उनके लिए कि क्या अगर मैं इनको कहूँ कि आपने अपना बेटा मेरे रास्ते में कुर्बान करना है तो ये तैयार हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। हालांकि ख्वाब में दिखाया गया था। अगर आम तौर पर आम इंसान को ये ख्वाब आ जाए तो वो ख्वाब की दुनिया को ख्वाब तक रखेगा, लेकिन उन्होंने ख्वाब की दुनिया को सच कर दिखाया और अल्लाह ताला को उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत हुई, इतनी ज़्यादा मोहब्बत हुई, और उन्होंने कहा कि ये तो आपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए आप तैयार हुए थे, लेकिन इसको मैं क़यामत तक, जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक इंसान दुनिया में है, तब तक इसको मैं कायम रखूँगा और आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए इस चीज़ को मैं वाजिब करार दूँगा कि जो भी ये जितना भी कर सके कुर्बानी दे सके उसके ऊपर ज़रूरी है, वाजिब है, क़यामत के लिए कुर्बानी वाजिब है। देखिए, आज आप देखेंगे कि इंसान के पास जानवर हफ्ते में हफ्ता एक उसके पास रहे, साल एक उसके पास रहे, दो महीने उसके पास रहे, तो उसके साथ इतनी उनसियत बढ़ जाती है, इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है कि जब उसके पास कोई ग्राहक आ जाता है उसको लेने के लिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदे ने अपना एक जानवर जो उसने पाला था, दो साल उसकी केयरिंग की थी, दो साल उसने उसको पाला पोसा था, दूध पिलाया था, उसकी केयर की थी, लेकिन जब उसको ग्राहक लेने के लिए आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, शायद वो जानवर उस इंसान के साथ गले लगाकर रो रहा था। इसमें पैगाम है, ये तो जानवर का मैं कह रहा हूँ, तो इंसान की क्या बात है, और वो भी जब बाप और बेटे का रिश्ता हो, बाप और बेटे के रिश्ते में जब ये चीज़ आए कि भगवान की तरफ से ये हुक्म है कि बेटे की गले पे छुरी चलाओ, ये तो जानवर की बात मैं कर रहा हूँ। असल में मैं ये कहूँगा कि इस ज़माने में, आने वाले यहाँ ज़माने में जो भी जानवर ज़िबह किया जाता है, बड़ा ही खुशकिस्मत है वो जानवर जो हज़रत इब्राहिम की याद, हज़रत इस्माइल की याद में ज़बह किया जाए, बहुत खुशकिस्मत इंसान है वो। और साथ ही वो भी बहुत खुशकिस्मत इंसान है जिसने उस जानवर को ज़िबह करने के लिए लाया हो,
पाला हो, पोसा हो, उससे मोहब्बत किया हो, प्यार किया हो, उंसियत बढ़ाई हो, उससे एक बहुत बड़ा पैगाम मिलता है। देखिए, इस कुर्बानी से एक और सबक हमें मिलता है, वो ये आज हम देखते हैं। हालात पे आप नज़र डालें तो ये दिखता है कि इंसान इंसान से नफ़रत कर रहा है, जबकि इस्लाम ने हमें ये भी दिखाया कि इंसान से ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे, अदना से अदना जानवर से भी इस तरीके से मोहब्बत से पेश आएँ कि कल को आपको अल्लाह के यहाँ पूछना हो जाए। जानवर के जुल्म पे भी, इंसानों के जुल्म की बात तो है ही नहीं, इंसानों के फसाद की बात तो है ही नहीं, तो कहाँ से इंसान आपस में लड़ पड़ते हैं, कहाँ से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इसको डिवाइड करके आपस में लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फितना फसाद फैलाते हैं। इससे उन लोगों को भी पैगाम मिलता है जो इस इज्तिमाईयत को, जो इस मोहब्बत को, जो इस प्यार को धोखा देना चाहता है, जो इस प्यार को ख़त्म करना चाहता है, जो इस रवादारी को, ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहता है, उनके लिए भी पैगाम है कि इस्लाम ने हमेशा, चाहे जानवर हो, इंसान हो, छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, छोटी ज़ात का इंसान हो, बड़ी ज़ात का इंसान हो, मालदार हो, गरीब हो, अदना जानवर हो, बड़ा जानवर हो, जंगली जानवर हो, हर एक के साथ इस्लाम ने सिखाया मोहब्बत। तो इस ईद पर क्या एक संदेश जो है सभी दर्शकों के लिए देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एडवांस में सब उन लोगों को ईद की मुबारक देता हूँ जो कल ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद जिस जिसकी किस्मत में कुर्बानी होगी वो कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम देंगे। इस ईद से एक ही पैगाम है। देखिए, हर मज़हब में किसी न किसी किस्म का त्यौहार होता है जी। तो त्यौहार, जहाँ तक मैंने सोचा है, त्यौहार एक किस्म का मोहब्बत भरा पैगाम है। आप देखे होंगे आपके यहाँ आज यात्रा भी चल रही है जी। उन यात्रियों में सिर्फ एक गांव से लोग नहीं है, एक इलाके से लोग नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट से लोग नहीं है, एक रियासत से लोग नहीं है, एक दूसरी रियासत से तीसरी रियासत के लोग मिल रहे हैं, वहाँ मोहब्बत और प्यार बाँट रहे हैं, वहाँ से लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं। यहाँ आप मक्का मुकर्रमा की तरफ देखिए, लाखों की तादाद में आज हुज्जाज किराम हज कर रहे हैं। कोई अफ़गानिस्तान का है तो कोई फ्रांस का है तो कोई अमेरिका का है तो कोई हिंदुस्तान का है तो कोई पाकिस्तान का है। बहरहाल जिन जिन्होंने एक दूसरे के चेहरे को देखा तक नहीं होगा, लेकिन आज इस हज की मुनासबत या हज की नस्बत से वहाँ से भी एक पैगाम मिलता है कि वतन की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, शक्ल की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर इंसान को दूसरे इंसान पर फौकियत हासिल नहीं हो सकती, यानी दूसरे इंसान के ऊपर उसको दर्जा नहीं दे सकते। अल्लाह के यहाँ सब बराबर हैं, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख ईसाई हो, कोई भी हो, बहरहाल इंसान इंसान है। और एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना, और एक इंसान की जान बख्शना पूरी इंसानियत को जान बख्शना, यही हमारे ईद का पैगाम है। बाकी मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो भी पिछले साल इस ईद में ज़िंदा थे, इस साल नहीं है, उनके लिए दुआए मगफ़िरत करें। हालात के तनाजुर में दुआए मगफ़िरत करें और दुआए खैर करें और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, और ख़ास कर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के उस किस्से को, उस वाक़े को, उस वारदात को ज़रूर पढ़िए जो परवरदिगार की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहानी शक्ल में दिया गया था। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कल ईद है उसको लेकर काफ़ी अच्छा पैगाम जो है इनके द्वारा दिया गया, इनका ये कहना है कि भगवान की नज़र में सभी एक है और हम सभी को मिलजुल कर प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारा देश जो है वो प्यार का प्रतीक है, त्यौहारों का प्रतीक है, तो हम सभी को मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। पर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।